सूबेदार, अबे तू, अबे तू, तेरी ईब जरा अपने मुंह से कबूल कर कि तैने करा और क्यों करा, वरना पीट पीट के तैने ना सूबेदार से चौकीदार बना दूंगी मैं। अबे मैडम, हमने सिर्फ सालिग्राम की गाड़ी पे लिखा है। क्यों लिखा है? अरे उसने मेरी गाड़ी पे मेरी पत्नी के बारे में लिखा तो मैंने उसकी गाड़ी पे लिख दिया। तैने देखा उसे लिखते हुए थारी पत्नी के बारे में? नहीं, हमने देखा तो नहीं मैडम, लेकिन हमारा सिक्स सेंस ये कहता है कि ये चाल सालिग्राम की है। सच बता। अबे तू कतई एम नाइट सामलन हो रहा है कि थारी सिक्स सेंस चल रही है, हैं? सिक्स सेंस कह रही इसकी। ये झूठ बोल रहा है मैडम, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थर्ड डिग्री दे दूं। कॉलेज में कौन सी डिग्री से पास हुआ था? कोई भी डिग्री है, किसी भी चीज की डिग्री? नहीं है। नहीं है तो जाके भांडे बर्तन मांज ले चौकी के, जो चाय मैंने पी है उसका कप धो ले और सर का ले ले डिग्री, जरा टेम्परेचर जांच कितनी हो रही है, उनके कितने सेल्सियस बढ़ गए डिग्री के। चल काश मैंने पढ़ाई की होती। वाला एक्सक्यूज मी मॉम, अब आपने आगे क्या करने की है ठानी? इज्दा हसीना अगर देवरानी है तो मैं हूं ये ठानी इज्दा। करना क्या? छोड़ दो इसे, ये मुजरिम ना है। वेल मॉम, आपने इसे रंगे हाथों पकड़ा है जी, आप अपनी आंखों से देखा है इसको लिखते हुए। अबे तो तू हमारे पे यहाँ डाल ले प्रेशर कतई, मन ने बता ले मैं किसको छोड़ूं किसने पकड़ूं। जो दोबारा मन ने कहीं दिख गया या पकड़ा गया या ऐसी तरह हरकत की गाड़ियों पे उचक के बिल्कुल ही, तो बेटे मेन कल्प्रिट तो बाहर घूम रहा होगा छोटे सांड की तरह गलियों में, तू यहाँ अरेस्ट हो जाएगा और मैं केस की कर दूंगी, फाइल बंद और कर दूंगी, यही है भैया, आप बोलो। नहीं सॉरी, अब दोबारा नहीं करेंगे हम ऐसी हरकत। हाँ मत करो यार, शरीफ आदमी हो, शरीफ आदमी बंद करो ना, वैसे ही कम रह गए हिंदुस्तान में शरीफ। बोल लूं मैं कुछ? अरे तुम जाओ ना यार, मन लगा पांव छूने जा रहा है, बताओ डिसेप्टिव। और जो तैने फोड़ दिए मारे ईयर ड्रम्स उसका कौन करेगा भुगतान? सॉरी हालत बहुत खराब है, बुखार बढ़ता जा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, देखिए हम कैसे कहां पर हैं। हाँ मैडम, बहुत बहुत बुरी हालत है सर की, मैंने इनका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर क्रैक हो गया मैडम। करेक्ट, इतना तेज बुखार है सर को, इतना तप रहा है बदन इनका कि मतलब इनके सर पे अंडा फोड़ दो ना तो हाफ फ्राई बन जाए। हाय सनी साइड अप। यार तू अजीब फालतू आदमी है एकदम, एक आदमी की हालत इतनी टाइट हो रही है, तू कतई मन ने अमेरिकन और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का मेन्यू गिनवा रहा है। सर और आप भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ, आप आराम कीजिए ना, अंदर जाइए। नहीं नहीं मछुड़ाला, हमें अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, अकेले हमें अच्छा नहीं लगता है अंदर, प्लीज। सर मैं काम करती हूँ, तू बिल्लू सुन जा, मारे क्वार्टर के पास जो हमारा फैमिली डॉक्टर रहे ना उसको धर के ले गया, सर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो नहीं नहीं मछुड़ाला, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, हमें प्यार की जरूरत है। तू जाना यहाँ सारा देगा श्रवण कुमार हो रहा कतई। चौड़ाला संभालिए हमें, थैंक यू आपने हमें थाम लिया, और ना हम तो गिर जाते, उस हमें इसी केयरिंग इसी अपनापन की जरूरत है जो आप हमें इस वक्त दे रही है। मैं देता हूँ जी आपको अपनापन, आओ आओ आइए जी, सहारा भी दूंगा सर, वो दिवाली आ रही है, थोड़ा सा मैं कह रहा था अभी, है ना। ये
अबे बुढ़ा हूँ, किस जंजाल में फंसा दिया हमको बे? सर हमने नहीं फंसाया है, आप खुद फंसे हैं। वी आर नॉट पोर्टेबल। अभी तो डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? सर आपको बुखार चढ़ा है, डॉक्टर को बुलाएंगे, प्लम्बर को थोड़ी बुलाएंगे। तो प्लम्बर तेरे घर पे भेज के तेरा बाथरूम चौक करा देंगे, देख ले। वेल सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी बिल्लू से भी बात हुई है, वो आंधी बे चल रहा है, डॉक्टर को लेके आ ही रहा है, डॉक्टर साहब आपका बढ़िया इलाज कर दे। दस दिन मुझे सांप बना बैठा मेरे बाथरूम में। सांप है, सांप है। बोल रहे हम? सो हॉट। मैं चौटाला, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो हमें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हाँ तो उसमें क्या, कोई बात नहीं सर, आपको मैं डॉक्टर से कहूंगी कि वो आपको ओरल देगा। हाथ निकाल। हमें इस पर भरोसा नहीं है, वो कैसे डॉक्टर लेकर आया, ब्यूटी पार्लर से उठा के लाया से, हमें डॉक्टर नहीं चाहिए। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। हेलो हेलो, चंद्रमुखी चौटाला कैसी हैं आप? माना तो फॉरएवर फाइन। ये जो है ना हमारे चौकी के चीफ इंस्पेक्टर, ये काफी सीनियर आदमी है, ये फाइन नहीं चल रहे। अच्छा हेलो सर, आपकी जरा नर्व्स दिखाइए। नहीं है। बाप रे, अरे मैडम इनको तो है ना खतरनाक बीमारी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? इनको है ना प्याजेरिया हुआ है। क्या हुआ? क्या प्याजेरिया? मतलब क्या है कि प्याज से होने वाला इन्फेक्शन हुआ इनको। इसमें क्या है, मरीज को है ना बहुत ठंड लगती है और बाद में ना बहुत तेज बुखार आ जाता है इनको। You're right. और इनके ना उनके शरीर में से प्याज की खुशबू खुशबू महकती है, जैसे इनके शरीर से भी प्याज की खुशबू आ रही है। करेक्ट। अरे ओ चिकन दो प्याजा, जरा एक मिनट रिलैक्स यार, ये ठीक कैसे होंगे ये तो बता, तुम तो मजे ले रहे हो यार। मैडम इनका एक ही इलाज है, इनको है ना ठंडी ठंडी चीजें खिलाई है। गोला 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 चुसवा दूं? हाँ आइस गोला भी खिलाए, नो प्रॉब्लम। और इसको इनको है ना आइसक्रीम से फायदा ना हो ना तो इनको बर्फ की सिल्ली पे लिटा दीजिए। अबे कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर, आइसक्रीम से काम चला लेंगे हम, ठीक हो जाएंगे, आइसक्रीम से बर्फ की जरूरत नहीं है। ए बिलोटे जा जाके फैमिली पैक्स लेकर आ। मैडम मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी लाऊंगा। और सुनो ट्रक वाले, सिल्लियां मंगा ले, सिल्लियां बर्फ की कांप रहा खुदी। I bring it। सर आप बिल्कुल फिकर ना लें, आपको ठीक करने के लिए मन ने अगर आपको ले जाकर बर्फीले स्नो कैप्ड हिमालय पर्वत पर सलमान खान की तरह शर्टलेस भी खड़ा करना पड़े ना तो मैं आपको खड़ा करूंगी सर। मैम अभी से बहुत ठंड लग रही है, Already feeling cold. बस में छोड़ा ला बस, और नहीं हम better feel कर रहे हैं, देखिए हम better हैं। अरे please sir, please. आप please मन्ने जो है ना बिल्कुल ही माँ अम्मा या सोदा वाली feeling मत दीजिए, because I am not interested अभी, ठीक है ना, बालक की तरह करिए तो मत। यो देखिए सर, it is such a beauty. मतलब फ्रोजन अपना स्मूदी पी लीजिए, फटाक से बदन ठंडा हो जाए। नहीं नहीं हम ठीक है, मैं छोड़ा हमें कुछ नहीं, आई एम फीलिंग बेटर, सी हम जॉगिंग आल्सो सी। नहीं वो इसलिए जॉगिंग क्योंकि मैंने ठुसवाई है आइसक्रीम, पंखे वगैरह लगवाए, अभी सिल्लियों पे तो लेटना है ना। अरे सिल्लियां कहां है? आ गया जी, आ गया सिल्लियां बाहर, टेम्पो खड़ा जी बाहर। अबे लात मारेंगे बे सिल्लियां टेम्पो में, हमें कुछ नहीं, हमें छोड़ा हम बेटर फील कर रहे, हम कह रहे हम बेटर है। अरे वाह सर, दिस इज कॉल्ड है अपना कौन सी वाली, अपना पॉजिटिव थिंकिंग कि ग्लास आधा एम्प्टी नहीं है, माय ग्लास इज फुल, ये ऐसी सोच रखनी चाहिए ऐसी टाइम में। और अभी देखिए मिनटों में सही कर दूंगी, आओ इस सिल्ली पे ले। नहीं मिस्टर अल्लाह हम सच में कह रहे हैं, देखिए ये पकड़ दे। हम सच में बेटर फील कर रहे हैं, देखिए हमें कुछ नहीं हुआ। और रही बुखार वाली बात, हम सच कहते हैं मिस्टर अल्लाह, हमने वो प्याज यहाँ पर रख दिया था ताकि हमें बुखार आ जाए, और ये आइडिया हमें बिल्लू ने दिया था।
सर आपने प्याज मांगी थी तो मैंने प्याज दी थी। अबे चुप है, बदतमीज। हाँ हमने मांगी थी तो उसने दी। वो क्या है ना चौड़ाला, आप हमें अवॉइड कर रही थी तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो आपका ध्यान खींचने के लिए हमने ये सब प्लान रचा। बस दांत दुख रहे हमारे, ठंडा खा खा के और पी पी के। क्या बात कर रहे हैं सर? सच कह रहे हैं। सर मैंने आपसे एक बात करनी है आज। हाँ तो कहिए आपको जो कहना है हमसे। सर मैंने आपसे कहना है कि अभी टाइम है, हेमिंग को बचा के रख। सर मैंने आपसे यो कहना है कि आपके इस कृत्रिम व्यवहार ने, यानी कि आपके इस कृत्रिम बुखार ने, बीमारी ने मैंने एक जबरदस्त आइडिया दे दिया सर। एक्सक्यूज मी मॉम, हु इज द आइडिया? इज द शट अप। सर याद है मौसम विभाग के कर्मचारी ने क्या कहा था? उसने कही थी कि यदि बारिश हो गई तो धुंध छट जाएगी, बोला था उसने। तो सर जब आपको आर्टिफिशियल बुखार आ सके तो मैं आर्टिफिशियल बारिश ना करा सकती? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। भाई अगर तो तू समझ जाता तो अप्रोच से नहीं लगता ना फिर नौकरी पे। ईद मैं कराऊंगी रावणपुर में बिन मौसम बरसात। ठंड कितनी है। रेडी हो तुम लोग? बेरा क्या करना? या मॉम वी वाज रेडी। टाइगर टू चीता वन, टाइगर टू। धागा कस के पकड़ लेना। मैडम मैं धागा पकड़ के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, जैसे ही कोई यहाँ से निकलेगा ना धागा टूट जाएगा और फिर मैं वो अपना बिल्ली की आवाज निकाल के सर को इशारा कर दूंगा। और हम बिन मौसम बरसात करने के लिए भी तैयार है। म्याओ जैसा निकलेगा पानी शुरू हो जाएगा। सर आप फोकस करिए, रेडी रहिए, वो आएगा जरूर। यार क्यों लगे पुलिस में? तो क्या करता हूँ यार, लानी भूल गया, नहीं तो ठंड ठुंड कोई मैं समझ नहीं ठंड को। I'm ready. Yes, the end. इब बारी है चांद के दीदार की। अरे तू तो वो नहीं है, वो अपना क्या नाम बता रहा, कल्लू, कल्लू इस्त्री वाला है ना तू? या मॉम शी इज कल्लू इस्त्री वाला इज द। क्या रे कल्लू हैं, क्यों ये सब बेकार की हरकतें की तेने? फूटेगा या हलक में मैं हाथ डाल के निकालूं शब्द बाहर। हाँ हम बताते हैं मैडम,
आप तो हमको जानते हैं, उस दर सोसाइटी का पार्किंग में हमारा प्रेस का दुकान है ना, लेकिन वो ससुरा सोसाइटी वाले ने हमारा दुकान तोड़ दिया मैडम। हमारा खाने का एकमात्र जरिया था, वो भी हमसे छीन लिए वो लोग। और इसलिए तुमने सब नाटक शुरू कर दिया अबे? हैं? पुलिस मर गई थी, रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे? तुम्हारे वजह से पता है कितनी भागदौड़ करनी पड़ी हमें। हाँ, प्याज लगा के। On this note, Mr. Chautala, हम अभी जरा एक गरम दूध पीकर आते हैं। आइसक्रीम भेज दू? कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। यार तू, मैं क्या बताऊं यार, बहुत बुरा किया तने। कैसा बकवास आदमी है तू, ब्रेनलेस। नहीं, अगर यहाँ आके मारे से बता देता कि मैडम ऐसी बात हो गई है, जरा आप एक्शन लो, कंप्लेंट लिखाता, तो थारी जगह आज वो खड़े होते सोसाइटी वाले, उन्हें मार रही होती मैं जूते, है नहीं? लेकिन तैने तो कतई खुद बन गया मिठोनिया, सब निकाल के अस्पताल के बेड से उठ के बिल्कुल ही कि हम जो है कानून लेंगे हाथ में। तो ले लिया जी, तो होगी सजा कानून हाथ में लेने, ऐसे जाने नहीं देते हम, सजा होगी। माफ कर दीजिए मैडम। माफ कर दूं? तो माफी की बात यो है कि सजा काट के आ, थारी दुकान में खुलवा दूंगी। सजा काट, फिर जाके दुकान संभालियो, समझा? धन्यवाद मैडम। डालो। चल। अच्छा मैडम ने बोला है तो खुल जाएगी दुकान। मॉम तुसी ग्रेट हो, आप इतनी बड़ी इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक महान लड़की भी है। अच्छा, और मैं काफी प्रिटी भी हूँ। दिस वन प्लीज मैडम, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। शागिर्द बना लूँ तो गुरु दक्षिणा क्या मिलेगी मन में? क्या चाहिए मैडम आपको गुरु दक्षिणा में? मुझे ना मैं बताऊं? रोज के ऐसे ही रैपटे।